हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पवन मिश्रा एंड यू आर वाचिंग ऑटो ट्रिप। तो दोस्तों, आज का जो ये व्लॉग है वो किसी ट्रिप का व्लॉग नहीं है, बल्कि एक प्रोडक्ट का रिव्यू है जो कि मैं अपने हर ट्रिप पे यूज कर रहा हूँ, खासकर कुकिंग के लिए। तो मुझे काफी लोगों का कमेंट आया है कि आप जो ये गैस स्टोव यूज करते हैं वो क्या है, वो कहाँ पे मिलता है। तो अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा तो ऑलमोस्ट जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग प्रिफर किए हैं खाना बाहर ही बनाने का। तो उसके लिए मैंने एक गैस यूज किया है जो कि पोर्टेबल है, काफी इजी है और कन्वीनियंट भी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है वो एग्जैक्टली और कहाँ मिलता है, उसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कम्प्लीटली जेन्युइन रिव्यू है, मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए फायदा है जिनको कैंपिंग का बहुत ज्यादा शौक है और ट्रैवलिंग का शौक है, जिनको बाहर खाना बनाने का शौक है और जो बेसिकली बाहर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोडक्ट काफी यूज है। तो लेट स्टार्ट टुडेज व्लॉग, आइए देखते हैं क्या है प्रोडक्ट। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट जिसका नाम है हैंस पोर्टेबल गैस स्टोव। आप देख सकते हैं स्टिकर लगा हुआ है और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, एंड इट्स given like it's ideal for camping, boating, picnic, fishing, hiking और multi-purpose के लिए है। आप घर में भी आराम से इसको use कर सकते हैं और safety advantages भी इसके दिए हुए हैं। और इसका model number है 2500 LPG। तो ये dual purpose है, आप इसको इसके adapter से भी use कर सकते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसके अलावा अपना जो regular एलपीजी गैस कनेक्शन होता है उससे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चलता है ब्यूटेन गैस से, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो इसको किया ओपन सूटकेस को और ये निकला अपना प्रोडक्ट हैंस पोर्टेबल स्टोव। तो दोस्तों, ये दिया हुआ है इसका बर्नर जो कि उल्टा रखा जाता है ताकि केस में फिट हो जाए। इसको हम करेंगे सीधा, और ये अगर आप देखें ये साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर आता है अपना कैनिस्टर, और ये है वो कैनिस्टर, ये भी हैंस कंपनी का ही है। और इसकी प्राइस पड़ती है अराउंड 150 अगर आप तीन चार लेते हैं, अदरवाइज इफ यू बाय सिंगल इट विल कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज। तो बेसिकली ये ब्यूटेन गैस है और सेफ है, आप इसको कैरी कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्लाइट एंड ट्रेन्स। आप लोकल कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो आराम से इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। तो ये कैप ओपन किया और अगर आप ये देखें तो नॉब जो है ऑफ ऑन दिया हुआ है और बाय डिफॉल्ट इट इज अनलॉक। इस बटन को अगर आप देखें तो पहले इसको हम करेंगे फिट और फिर हमें इसको करना है लॉक। तो अगर आप ये पोर्शन देखें जो थोड़ा सा कट है, ये बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए और इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे छोड़ देना है, उसके बाद इसको करना है लॉक। तो ये लॉक हो जाएगा, वापस इसको किया बंद, और अगर अब ये ऑफ बटन जो था इसको हम करेंगे ऑन, और ये लाइटर से इसको जलाया, ये जल गया अपना गैस। तो फ्लेम काफी तेज है, कुछ भी आप बना सकते हैं, और इसको हम करेंगे बंद, फिर आगे मैं बताता हूँ। ऑफ किया, अनलॉक किया और इजीली इसको हम रिमूव कर सकते हैं, वापस कैप बंद। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये ड्यूअल पर्पस का है, तो अगर आप देखें तो इसके साथ एक नॉब दिया हुआ है ये, और इसको आप यहाँ फंसा सकते हैं और फिर इसमें हम एलपीजी कनेक्शन जो कि घर में यूज करते हैं
इसको डायरेक्ट गैस लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है ये। इसमें रखा वापस, ये किया बंद। तो दोस्तों आपने प्रोडक्ट देखा, काफी अच्छा है ये और इजी टू कैरी है, कन्वीनियंट है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं और दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि बच्चा क्या खाएगा और क्या पिएगा, तो छोटे मोटे स्नैक्स आप वहां बना सकते हैं बच्चों के लिए। और इसका वेट भी ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 1 kg या 1.5 kg है, आप आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हैं, मिल के ले जा सकते हैं बच्चों के लिए, गर्म करके बना सकते हैं। हम लोग अपने हर ट्रिप में आपने देखा होगा कि कभी न कभी कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं, पूरी सब्जी हो गया, चाय हो गया और इवन कचौड़ी हो गई और काफी कुछ बनाया हमने, मैगी बनाया है और बिरयानी भी बनाई है। तो कुछ भी बना सकते हैं आप, बस इतना ध्यान रखना है बहुत हैवी चीज नहीं रखना है, अदरवाइज बहुत अच्छा है, आप अपने साथ ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, पिछले लास्ट 1 month से अभी ये प्रोडक्ट दिखा नहीं रहा है इन स्टॉक में। मैंने अमेजोन से लिया था और इसका प्राइस था करीब 2000 rupees। तो इसके अलावा और भी अलग अलग कंपनियों के हैं, जैसे G1 कंपनी का भी है और कोलमैन कंपनी का भी है, अभी वो भी नहीं दिख रहा है। आई विल प्रोवाइड लिंक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन माय डिस्क्रिप्शन और आप बीच बीच में देखते रहिए और बहुत जल्दी वो इन स्टॉक में आ जाएगा। इवन मैंने कस्टमर केयर से भी पूछा है तो उन्होंने रिप्लाई किया है कि जल्दी आ जाएगा। तो जिनको भी शौक है कैंपिंग का, आउटडोर कुकिंग का, इजिली दे कैन बाय, दे कैन यूज। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।